ब्रेस्ट कैंसर बताया था, ब्रेस्ट नहीं होता, हाँ ब्रेस्ट कैंसर आ गए ना, तो ब्रेस्ट कैंसर जो बताया था, तो कैंसर तो बता ही देते हैं डॉक्टर, कई बार छोटी गांठ भी होती है, गांठें होंगी दो, और दो गांठें मैंने कल दिखाई थी आपको, कल में और आज में आपके परिवर्तन क्या है? जोर से बोलो। क्या परिवर्तन है जी, बोलेंगे? एक तो दर्द नहीं हो रहा है। दर्द था कल? नहीं कल था, आज कल से पहले रहता था दर्द? कितना दर्द रहता था? काफी दर्द रहता था, रोती थी दर्द में, दर्द में रोती थी। तो डॉक्टर ये बोला, क्या कहते हैं कि आपका फोर्थ स्टेज का कैंसर है, आपकी सारी नाड़ियों में दर्द हो गया, ऐसे ही बोला था ना डॉक्टर ने? और क्या बोला था कि अब हम इसका कुछ नहीं कर सकते। ये रोने लगी, इसको लगा कि अब मैं मरूंगी, ऐसे ही तो? हाँ ऐसे ही था। एक चीज और थी, जो आपके ब्रेस्ट में गांठें हैं वो इतनी टाइट थी और वहाँ पे सोजन था बहुत भारी। मैं ये देखना चाहता हूँ क्या वो कल जैसी है आज भी, बताइए, दिखाओ करके दिखाओ। चलो बेटा घबराते नहीं। हाँ ये गांठ यहाँ पे है, इसको दूसरी गांठ यहाँ पे, जैसे ऐसे दबाते हो गांठ हाथ के नीचे आ जाती है तभी दर्द होता है, बहुत जोर से दबाते हो तभी दर्द होता है, बिना जोर से दबाए नहीं दुखती ना। तो डॉक्टर ने इसको फोर्थ स्टेज का जो कैंसर बताया वो बेटे गलत फहमी में बताया। किसमें? डॉक्टर को क्या गलत फहमी हुई? डॉक्टर को ये गलत फहमी हुई कि ये जो दर्द है ये फैल गया है नाड़ियों नाड़ियों में, नस नस में फैल गया है ये जो कैंसर है। उसको ये नहीं पता था कि ये नसों में नहीं फैला, नसों में कुछ और फैल रहा है, वो मैंने सिकुड़ा दिया। ठीक है, गांठें आपको निकालनी पड़ेंगी। अब डॉक्टर को आपने कल दिखाया, कल के बाद जरूरत तो नहीं पड़ रही, गांठ तो है ना? गांठ है। फिर गांठ तो निकलवानी पड़ेगी ना, फिर गांठ कैसे निकलवाओगे? है वो तो सर्जरी होगी वहाँ की और फिर गांठ निकलेगी, है कि नहीं? नहीं हाँ। वैसे एक केस आपने बताया था कल, किसी को गांठ थी, उसने क्या किया डॉक्टर ने? वो डॉक्टर ने उस पर चीरा लगाया, फिर उससे खून ही नहीं रुका जी उसका। डॉक्टर से ही, डॉक्टर ने गांठ पे सीधा चीरा लगा दिया, डॉक्टर से ही कमर में थे, कोई ना कोई नाड़ी पे लग गया, फिर वो कोई नाड़ी पे लग गया, फिर उससे डॉक्टर से उसका खून ही नहीं रुका। और वो अस्था खेलता एडमिट हुआ था, बस जैसे गांठ दिखाने गया हो कि भाई देख ले बायोप्सी कर लो इसकी, और फिर वो 6 महीने बाद उसकी डेथ हुई, उसके बाद वो खाट से नहीं उठा, 4-5 से नहीं उठ पाया। ठीक है, ऐसे जब आप मेरे पास आए थे देखो आप भयभीत हो गए थे बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, जैसे आपके मरने का नंबर आ गया हो। डॉक्टर ने इतना आपको डरा दिया था, कितना डरा दिया था कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, हम दवाई नहीं देंगे। दर्द भी असहनीय था, असहनीय दर्द था, असहनीय नहीं असहनीय, असहनीय असहनीय, बर्दाश्त नहीं हो रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा, इतना दर्द था। तब डॉक्टर जब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तब डॉक्टर ने सारे पोर उसके थक गए, तब उसने समझा ये बर्दाश्त तो हो नहीं रहा इसमें, इसका मतलब ये नस नस में फैल, आने के बाद दर्द नहीं है 0% में, दर्द नहीं है 0%। चलो बैठ जाओ, बोल दो जय शनिदेव, ताली बजा, बोलिए शनिदेव महाराज की। शामिल हो गए तभी, जाना अभी जाना नहीं है। चलो बैठ, काहे की फाइल ले रही है बहन जी।